हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोले नजीर बनेगा वर्ष 2022 का यह विधानसभा चुनाव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्ण विश्वास के साथ दावा किया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बगैर सरकार नहीं बनेगी और वर्ष 2022 का यह विधानसभा चुनाव आने वाले कई दशकों के लिए नजीर बनेगा। सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रभारी शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से विधानसभा चुनावों को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय बनी परिस्थितियों के बाद देश और पंजाब की राजनीति की समीक्षा करने वाले इस बात को स्वीकार करने को तैयार थे कि भाजपा का प्रवेश भी शायद पंजाब के गांवों में हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से उत्साह का वातावरण पंजाब में बना, भाजपा के नेताओं और प्रत्याशियों को प्रेम व समर्थन मिला, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भाजपा का वहां महत्वपूर्ण पार्टी होगी। शेखावत ने कहा कि पंजाब में सरकार क्या बनेगी, किसकी बनेगी, मैं भविष्यवाणियों में नहीं जाता, लेकिन एक तय बात है कि परिणाम अप्रत्याशित होंगे। भविष्य में आने वाले चुनावों के समय लोग कहेंगे कि उस चुनाव में यह परिणाम आया था, इसीलिए आगे भी यही नतीजे आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी 117 सीटों से रोमांचक और प्रसन्न करने वाले समाचार आ रहे हैं। मैं सीटों के नंबर में नहीं जाऊं तो भी एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिना पंजाब में नहीं बन पाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ आ रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बनाने के मार्ग पर है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त भयमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता को अनेक वर्षों के बाद में मिला। जिस गति से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, प्रदेश विकास के सारे पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स पर पहले पायदान के प्रदेशों में खड़ा हुआ। डबल इंजन के योगी और मोदी की सरकार को जनता एक और अवसर देने का मानस बनाकर आशीर्वाद दे रही है। महापौर ने की मंत्री शेखावत की अगवानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को शाम जोधपुर पहुंचे। निवास पर कुछ देर विश्राम के बाद मंत्री शेखावत फलोदी के लिए रवाना हुए। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने मंत्री शेखावत की अगवानी की। जागरूक टीवी के जोधपुर से खास रिपोर्ट।